बोलो जय खाटू श्याम की जय। तो दोस्तों अभी जो है ना हम पैदल पैदल ही खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए निकले हैं। हमको अभी यहाँ से लोगों ने कहा है कि तकरीबन 20 किलोमीटर आएगा और 20 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा, तो हमने फैसला किया है कि हम पैदल चल के ही जाएंगे। और ये सारे लोग हैं जो यहाँ पर पैदल चल रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं हूँ जानेश चौहान और आप देख रहे हो आपका और मेरा यूट्यूब चैनल जय यात्री। दोस्तों पीछे जो दो वीडियो आपके लिए मैंने बनाए हैं, बहुत ही खास वीडियो बनाई है, वो वीडियो जाकर आप पूरी देखना, आपको देखने में मज़ा आएगा। और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ जो खाटू श्याम के लिए, आगे जाकर हम भगवान के दर्शन करने वाले हैं। तो ये मार्ग से हम पैदल पैदल ही चल रहे हैं और पैदल ही पहुँचेंगे। हमारा एक इच्छा था कि चलो पैदल से हम इतना चल सकते हैं ताकि हम जब भी नंदुरबार से द्वारका तक 1100-1200 किलोमीटर होता है तो एक दिन में हम तकरीबन 50-60 किलोमीटर कवर कर ही लेते। तो ये 20 किलोमीटर है, इसको भी 2-2.5 घंटे में या 3 घंटे में पूरा कर लेंगे। तो पैदल ही निकले हैं, आइए बने रहना इस वीडियो में। मैं मेरी तरफ से जितना होगा उतना दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। और दोस्तों गर्मी तो इतनी है तो पूछे ही मत, मतलब पूरा राजस्थान जैसे गर्मी की वजह से जल रहा हो। 40-45 डिग्री का तापमान है और उस तापमान में हम चल रहे हैं। तो देखो कितना पसीना निकल रहा है मुझे गर्मी के मारे। आप सोच रहे होगे कि ये पसीना ऐसा ही है, पर पूरा गर्मी के मारे ये पसीना निकल रहा है। ये मेरे दोस्त कितना ली दो, चाली जाइस भाई, तू टेंशन लग ले, चाली जाइस। बोलो श्याम बाबा की जय, बोलो श्याम महाराज की जय। अरे खाट खाटू श्याम बाबा की जय, बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। तो देखिए दोस्तों ये हमारी मंडली है जो महाराष्ट्र से आई है राजस्थान में खाटू श्याम भगवान के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर जो है गन्ना के जूस पीने के लिए थोड़े से रुक गए हैं, अभी यहाँ से गन्ना का रस पिएंगे और निकलेंगे आगे। तो इस तरह से महाराष्ट्र से खास करके राजस्थान में खाटू श्याम भगवान के दर्शन करने के लिए आए। तो ये देखिए हमारे सभी दोस्तों, हाँ जी, खाटू श्याम भगवान दर्शन के लिए पैदल चल रहे 20 किलोमीटर हम लोग। देखो ये महाराष्ट्र से आए हुए सभी यहाँ पर जो खाटू श्याम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको भी दर्शन कराऊंगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। तो बोलते हैं खाटू श्याम भगवान की जय। तो पहुँच गए दोस्तों खाटू वाले श्याम बाबा के दरबार में। ये जो है पीछे गेट है अभी, और यहाँ से आगे जाना है, यहाँ से अभी तकरीबन 1 किलोमीटर और मंदिर आगे है। तो इस तरह की भीड़ लगी है और मैंने सुना है कि हर रोज़ ऐसे ही यहाँ पर गर्दी रहती है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर। तो बस ये यहाँ का गेट रह गया है और कुछ अभी यहाँ तो पहुँचे हैं, अभी बढ़िया बढ़िया सी जो जगह होगी वो सारी जगह कवर करूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहना इन वीडियो में, आपको देखने में बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो देता हूँ मैं आपको पूरी जानकारी। और एक बात बता दूं दोस्तों, मेरी शक्ल के ऊपर मत जाना, शक्ल 1:12 बज चुके हैं यहाँ की गर्मी की वजह से और यहाँ के ये मिट्टी की वजह से। दूसरा जो गर्मी है उसके उमस के वजह से बहुत सारा पसीना फूट रहा, पसीना आ रहा है और पूरा लथपथ हो रहा हूँ पसीने से मैं। तो इसलिए आप शक्ल के ऊपर मत जाना, वीडियो अच्छी तरह से देखना। देखो यहाँ पर ना, मतलब हमें भी मालूम नहीं था कि ये खाटू श्याम का मंदिर कहाँ है या तो खाटू श्याम का धाम कहाँ है। हमारे गांव में कोई 2-1 आदमी यहाँ पर आए, उनकी वजह से ये मालूमात पड़ा।
और हम भी पहली बार यहाँ पर आए हैं, तो राजस्थान में जो बाबा का मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए आए हैं और भगवान के दर्शन हम भी करेंगे और आपको भी करवाएंगे। ये मंदिर के अंदर जो है डेकोरेशन ऐसा बनाकर रखा है, बहुत ही बढ़िया। और जो हवा के लिए ये पंखे हैं, बहुत बड़े बड़े पंखे लगा कर रखे हैं हवा के लिए। और वो सामने आपको जो दिख रहा है वो भी एसी की हवा है, तो मतलब जो यहाँ के श्रद्धालु को जो हवा पानी का जो प्रदान करते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सब कुछ सेट किया हुआ है, तो इसी तरह का मतलब रहता है तो बहुत बढ़िया रहता है। तो ये देखिए इस तरह का नज़ारा है, और ये खाटू श्याम भगवान के इधर ये मंदिर है, खाटू श्याम भगवान। तो मुझे भी कर लूँगा। भगवान जी के दर्शन करके अभी फ्री हुए हैं, तकरीबन रात के 10:30 बज चुके हैं, 10:30 बजे फ्री हुए हैं और अभी हम दर्शन करके बाहर निकले हैं। और बस अभी यहां पर लॉजिंग किया, हम वहां सोने के लिए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहता हूँ। मैं जानेश चौहान, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय खानदेश।